आज तो शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और नगर पालिका के कर्मचारी रात दिन सफाई अभियान चलाकर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं बीती रात को शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित इलाके में सफाई कर रहे एक कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर गाली गलौज कर दी है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। सफाई कर्मचारी के साथ हुई मारपीट से आक्रोशित कर्मचारी ने मंगलवार को काम बंद कर हड़ताल कर दी है और इसी के साथ नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस दौरान नपा के सभी सफाई कर्मचारी झाड़ू लेकर नगर पालिका पहुंचे और एकत्रित होकर नगर पालिका सीएमओ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। पिछले हफ्ते से नगर पालिका प्रशासन ने सुबह साथ साथ रात की सफाई की भी शुरुआत की थी। एक हफ्ते से सुबह शाम की सफाई के इसके परिणाम भी सकारात्मक आ रहे थे। पूरा नगर सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों को नगर की शांति पसंद नहीं आ रही है, जिसका असर सफाई व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। फिलहाल सफाई कर्मचारियों ने साथी कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो कर्मचारी हड़ताल पर ही रहेंगे। आदर्श न्यूज के लिए आष्टा से पत्रकार प्रवेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। रात्रिकालीन जो सफाई कार्य व्यवस्था माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी द्वारा निर्देशानुसार दिया गया था, उसी के निर्देश पर सफाई कर्मचारी रात को 8 से लेकर 11 तक सफाई कार्य कर रहे हैं। और सफाई कार्य करने पर हमारे एक सफाई कर्मी भाई ने जब झाड़ू लगाया और धूला उड़ा तो कुछ दुकानदारों के द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई और उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई है। शाम को रात्रिकालीन सफाई जो प्रशासक महोदय के कहे अनुसार हम लोगों ने सफाई 3 समय जो टाइम चेंज किया था उसमें हमारे कर्मचारी है संतोष पिता मुंशी, उनको पुराने बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने मारपीट की। सफाई कार्य हम लोग प्रशासक महोदय के कहे अनुसार कर रहे थे, जिसमें कि प्रशासक महोदय हमारे सीएमओ साहब ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। शाम को उनके पास आष्टा में जिससे कि सभी जगह स्वच्छ बिहार मिशन चल रहा है, आष्टा में भी इसी के तहत सुबह दोपहर और शाम की कार्रवाइयाँ चल रही थी। मुझे ज्ञात हुआ था कि रात्रिकालीन सफाई के दरमियान कुछ लोगों के द्वारा हमारे यहाँ के सफाई कर्मियों के बीच में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई थी। हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई अगर स्थिति निर्विघ्न होते जो प्रभारी है तत्काल बीच में उन बात करके उनके उस तरह की स्थिति को न बदले। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।